Today we have to discuss some methods of preparation of phenol. कि आखिर हम फिनोल को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज फिनोल. फिनोल क्या होता है? फिनोल इज दैट सब्सटेंस इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग एनी अरोमेटिक रिंग. सो This is phenol. Phenol को किस तरह से बनाया जा सकता है? देखिए, अगर हम बात करें phenol की, तो phenol वो compound है, वो organic compound है, जिसके अंदर OH group direct एक benzene ring से attach है. So, अगर हम phenol को बनाना चाहते हैं, तो हमारे starting material में benzene ring होनी चाहिए. So, हमारे पास कुछ ऐसे methods हैं जिनसे हम फिनोल को बड़ी इजीली से, बहुत आसानी से बना सकते हैं. सो फर्स्ट, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम फिनोल बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से. सो देखिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता क्या है और बनता कैसे है. सो दिस इज बेंजीन. अगर हम बेंजीन की सल्फोनेशन कर दें और सल्फोनेशन के लिए हमें जो एजेंट चाहिए दैट इज नोन एज ओलियम. ओलियम इसे हम डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी है, इसे हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, हैविंग द फॉर्मूला H2S2O7. दिस इज द फॉर्मूला. तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा दिस SO3H एंड दिस इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. नाउ हमें फिनोल बनाना है फ्रॉम दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सो अब हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो बेंजीन की बजाय हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो हमें रिएक्शन शुरू करनी है इस पॉइंट से. दिस इज आवर रिएक्टेंट और हमें यहां से शुरू करनी है. नाउ देखिए, दिस इज एसिड इन नेचर और अगर हम इसकी रिएक्शन कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से, तो देखिए वाटर विल गोज आउट एंड द प्रोडक्ट इज दिस. दिस इज द प्रोडक्ट. ये हमारा प्रोडक्ट होगा विच इज नोन एज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. दिस इज आवर प्रोडक्ट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. नाउ अगर हम यहां पर एक्सेस ऑफ बेस डाल दें 2NaOH और इसको हीट कर दें, देन सोडियम सल्फाइट दैट इज Na2SO3 will goes out from here. यहां से इस by product हमें मिलता है और साथ में हमें यहां से by product मिलेगा water. Water will also the by product and product we obtained is known as this O negative and Na positive. This is known as sodium phenoxide.
सोडियम फिनोक्साइड। देखिए ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सल्फोनिक एसिड लिया, बेस से रिएक्शन की, वाटर यहां से बाहर रिमूव हो गया, दिस इज द प्रोडक्ट सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये भी साल्ट है, अगर हम इस साल्ट की एक्सेस ऑफ बेस के साथ रिएक्शन करें और हीट कर दें तो एक और साल्ट दैट इज सोडियम सल्फाइट एंड वाटर, ये बाई प्रोडक्ट बनेंगे एंड सोडियम फिनोक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। अब हम इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन कर देते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमारा देखिए प्रोडक्ट बनेगा दिस, आवर प्रोडक्ट इज दिस फिनोल प्लस NaCl, फिनोल यहां से बन चुका है हमारा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम द सल्फोनिक एसिड, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। नाउ देर आर सम अदर मेथड्स आल्सो, तो हमारे पास कुछ और मेथड भी हैं, सो हम सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं और देखिए हमारा सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड है हमारा फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, हमें सैलिसिलिक एसिड से फिनोल प्रिपेयर करना है। देखिए सैलिसिलिक एसिड ये होता है, दैट इज नोन एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। अगर हम इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सॉल्यूशन के साथ, अब देखिए सैलिसिलिक इज एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, और सैलिसिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, वन इज OH दैट इज फिनोलिक एंड अदर इज COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब बेस रिएक्शन करता है तो सिंपल वो किसी एसिड के ऊपर अटैक करेगा और आउट ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक इन नेचर, सो यहां से वाटर बाहर जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज दिस, हमारा प्रोडक्ट बनेगा COONA एंड दिस इज नोन एज सोडियम सैलिसिलेट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेंड। नाउ अगर हम इस साल्ट की रिएक्शन दोबारा एक्सेस ऑफ बेस के साथ करें और उसे हीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को करते हैं तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकलता है, दिस प्रोडक्ट इज दिस ऑल नेगेटिव एंड हेयर इट इज Na पॉजिटिव प्लस साइड, देखिए साइड प्रोडक्ट क्या होंगे, साइड प्रोडक्ट Na2CO3 प्लस वाटर एंड अगेन दिस इज नोन एज फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। अब देखिए आयन यहां पर सोडियम है तो हम इसे सोडियम फिनोक्साइड भी बोलेंगे, अगर मैं यहां Na पॉजिटिव ना लगाऊं तो दिस इज नोन एज फिनोक्साइड आयन, अगर मैं Na पॉजिटिव लगा देता हूं सो दिस इज बिकम सोडियम फिनोक्साइड, दिस विल बिकम सोडियम फिनोक्साइड, और दोबारा अगर मैं सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन कर दूं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देन द प्रोडक्ट इज दिस, हमारा प्रोडक्ट बनेगा दिस फिनोल प्लस NaCl। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम द सैलिसिलिक एसिड, इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए सैलिसिलिक एसिड में COOH है बट फिनोल में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ग्रुप डिसअपियर हो चुका है, खत्म हो चुका है, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड।
Now, third method. Third method of preparation of phenol देखिए थर्ड मेथड हमारे पास क्या है थर्ड मेथड हमारे पास है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम साल्ट फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम साल्ट कि आखिर फिनोल आप किस तरह से बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम साल्ट तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायजोनियम साल्ट क्या होता है डायजोनियम साल्ट बनाने के लिए हम एनिलीन लेते हैं दिस इज एनिलीन और इस एनिलीन की रिएक्शन हम कर देते हैं सोडियम नाइट्राइड सॉल्यूशन के साथ प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन इन कोल्ड कंडीशन तो देखिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा हमारा प्रोडक्ट होगा दिस दिस इज नोन एज बेंजीन डायजोनियम साल्ट बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ये साल्ट है बट क्योंकि देखिए एनायन सीएल है तो हम लिखेंगे इसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डाई एजोटाइजेशन दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन क्या होता है कन्वर्जन ऑफ एरोमेटिक अमाइन इनटू द बेंजीन डायजोनियम साल्ट इज नोन एज डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बट हमें क्या करना है डायजोनियम साल्ट से हमें फिनोल बनाना है तो हम डायजोनियम साल्ट को हमारा रिएक्टेंट मानेंगे और उसकी रिएक्शन करेंगे टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज फिनोल सो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे डायजोनियम साल्ट को हमारा रिएक्टेंट माना जाता है सो देखिए हियर इट इज पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव अगर हम इसकी रिएक्शन कर दें और से इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें हाइड्रोलिसिस कर दें देन द प्रोडक्ट वी गेट इज फिनोल प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस HCl. So this is the simple reaction that we are going to hydrolyze the diazonium salt. Diazonium salt ki agar hum hydrolysis kar dein, then the product is phenol plus nitrogen gas plus hydrochloric acid. Now, next method for the preparation of phenol is from Grignard reagent Grignard reagent देखिए Grignard reagent क्या होता है this is R MgX this is known as R means any alkyl or aryl group so this is allyl magnesium halide या aryl magnesium halide अब देखिए हमें फिनोल बनाना है तो जो R ग्रुप है वो हमेशा अराइल ग्रुप होगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आखिर Grignard रिएजेंट बनता कैसे है सो देखिए दिस इज मैग्नीशियम ये हमारे पास
मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक कंपाउंड है, या देखिए इसे हम बोल सकते हैं ये, दिस इज आर एम जी एक्स, ये मैग्नीशियम का एक कंपाउंड है जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, एंड दैट इज नोन एज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज नोन एज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये। अब देखिए अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस कर दूं, वाटर के अंदर डाल दूं, सिंपल आप इस बात को याद भी रखेंगे, तो हमारा देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा दिस फिनोल प्लस दिस, दिस इज आवर प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। अब देखिए अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो देखिए इस पूरे ओवरऑल में ऑक्सीजन एक बार है, बट फाइनल प्रोडक्ट में ऑक्सीजन दो बार है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट की तरफ एक बार है, प्रोडक्ट की तरफ भी एक बार है, ब्रोमीन या ब्रोमाइड रिएक्शन की तरफ भी एक, रिएक्टेंट की तरफ भी एक बार है और प्रोडक्ट की तरफ भी एक बार है, और ये फिनाइल ग्रुप भी एक ही बार है, मीन्स सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है। सो हम इस रिएक्शन के अंदर एक ऑक्सीजन को पहले ऐड कर देंगे। सो ओवरऑल रिएक्शन इज दिस कि व्हेन दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज गोइंग टू रिएक्ट विद हाफ मोल और से हाफ, या कहें कि एक एटम से, क्योंकि O2 है, O2 वन मॉलिक्यूल, और अगर मैं इसका हाफ कर देता हूं दिस इज हाफ मॉलिक्यूल और से वन एटम। सो दिस इज आल्सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। नाउ हमारे पास दो और बड़े इंपॉर्टेंट मेथड हैं, कमर्शियल मेथड हैं ग्रिग्नार्ड सॉरी फिनोल को प्रिपेयर करने के, और जिसको हम बोलते हैं पहला मेथड है दैट इज डॉज प्रोसेस, डॉज प्रोसेस है, और दूसरा मेथड है हमारे पास क्यूमीन, क्यूमीन से कैसे बनता है। तो देखिए डॉज प्रोसेस को मैं लिखता हूं, रिएक्शन नंबर 5 है, रिएक्शन नंबर 5 टू प्रिपेयर द फिनोल, एंड दैट इज डॉज प्रोसेस, डॉज प्रोसेस। देखिए क्या होता है, अगर हम क्लोरोबेंजीन लें और क्लोरोबेंजीन की हम रिएक्शन कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाई प्रेशर पर, अगर मैं इसे हीट कर दिया जाए, हम इसे हीट कर दें, तो देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर विल गोज आउट एज ए साइड प्रोडक्ट एंड वी गेट फिनोक्साइड आयन और से सोडियम फिनोक्साइड, दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्सेस ऑफ बेस के साथ कर दें, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर उसे हीट कर दें तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, और अगर हम दोबारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दें तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा दैट इज फिनोल। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। दिस इज द डॉज प्रोसेस। कमर्शियली फिनोल को बनाने के लिए इस प्रोसेस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एंड लास्ट एक और रिएक्शन हमारे पास है दैट द मेथड 6 फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन बनाया जाए, क्यूमीन से फिनोल किस तरह से बनाया जाए। सो पहला हमारा जो फर्स्ट काम है वो हमें पता करना है कि आखिर क्यूमीन क्या होता है। सो हम लिखें फ्रॉम क्यूमीन,
तो देखिए क्यूमीन किस तरह से बनाया जाता है। हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की अगर मैं रिएक्शन कर दूं दिस प्रोपीन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड और से ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, और हम इसे हीट कर दें, दिस इज आल्सो नोन मामूली सा हीट, कोई सिंपल मामूली सा उसे हीट करने की जरूरत है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अगर मामूली सा उसे वार्म कर दे सॉल्यूशन को तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज क्यूमीन, और इसका दूसरा नाम है आइसो प्रोपाइल बेंजीन। ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। अब देखिए हमने फिनोल बनाना है फ्रॉम क्यूमीन से, तो हमारा रिएक्टेंट अब क्यूमीन होगा, सो हम रिएक्शन को क्यूमीन से शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होगा इस दौरान, दिस इज क्यूमीन, ये हमारे पास क्यूमीन है। अगर हम क्यूमीन की ऑक्सीडेशन कर दें, जिसे हम एरियल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन मींस दैट ऑक्सीडेशन विच विद अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सो देखिए हमारे पास कंपाउंड एग्जिस्ट होगा जिसके अंदर एक पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा, दिस दिस ये कंपाउंड एग्जिस्ट होगा, और अगर हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दें, देन द प्रोडक्ट वी गेट इज फिनोल प्लस एसीटोन। तो ये दो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे। दिस इज आल्सो द कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। सो इन दिस लेक्चर we just discuss about some methods by which we can easily prepare phenol in the laboratory as well as in the industry, chemical industry. to dekhiye jisme sabse pehla method humne padha tha from benzene sulfonic acid, dusra method humne discuss kiya tha from salicylic acid, teesra method humne padha from benzene diazonium salt, chautha method humne padha from grignard reagent, पांचवा मेथड हमने पढ़ा डाउज प्रोसेस, एंड दिस इज द लास्ट मेथड फ्रॉम क्यूमीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। थैंक यू।